आदाब नाजरीन, स्वागत है आप सभी का जेके प्रेस मीडिया में और मैं हूँ आपके साथ जसवीन कौर। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में 202 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जिनमें कोई ताज़ा मौत नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा बर्फबारी के आसान का देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। 7 बारामूला क्षेत्रों ने सूक्ष्म माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को कोविड मामलों में स्पाइक घोषित कर दिया। नेशनल हाईवे पर रात की यात्रा अप्रशिक्षित यात्रियों को कश्मीर जाने की अनुमति देती है। जम्मू कश्मीर में 3 साल में 21,016 लोगों की कैंसर से हुई मौत। डिविजनल कमिश्नर ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर रोकथाम के उपायों की समीक्षा की। शोपियन में मरीज गंभीर रक्त परेशान के लिए पीड़ित हो रहा है। आजाद ने नागरिक हत्याओं को रोकने का आह्वान किया। कोविड 19 के बाद बच्चों की संख्या में आई गिरावट, भद्रवाह में शिक्षा विभाग ने शुरू किया नामांकन अभियान। कश्मीर में नवंबर तक 5.13 लाख टूरिस्ट आए हैं। एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोप में दलाल पटवारी को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर लद्दाख में बारिश से हिमपात की आशंका से रात के तापमान में आया सुधार। उधर कश्मीर के बोनियार में रात भर लगी आग में 3 घर जलकर हुए राख। बादल छाने से न्यूनतम तापमान में उछाल, कल बारिश बर्फबारी के हैं आसार। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों की यात्री ही होंगे घरों में क्वारंटाइन। मनोज सिन्हा का कहना, आतंकवादियों देश विरोधी तत्वों को नकार रही सुरक्षा कर्मियों का आभारी है देश। जम्मू कश्मीर घाटे में चल रहे जम्मू कश्मीर के सभी नो कोऑपरेटिव बैंक के विलय की हो रही है तैयारी। वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं ने बढ़ाई चिंता, 3 दिन में 135 आए संक्रमित। शानदार प्रदर्शन से GGM साइंस कॉलेज बास्केटबॉल के फाइनल में। तो ये थी हमारी आज शाम की खबरों की तफसीलात। आप जुड़े रहिए जेके प्रेस मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।